गॉल ब्लेडर में स्टोन होने पर आपको कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गॉल स्टोन की समस्या इंडिया में खास तौर से औरतों में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप गॉल ब्लेडर में स्टोन से पहले दिखाई देने वाले लक्षणों को जानें, जिससे समय रहते ही आप उसका उपचार ले सकें। इस वीडियो में हम 5 ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जो गॉल ब्लेडर में स्टोन बनने पर आपको दिखाई दे सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम उन प्रमुख कारणों को जानेंगे जो आपके गॉल ब्लेडर में स्टोन बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तला हुआ या तेल मसाले वाला खाना पसंद करते हैं तो ये आपके गॉल ब्लेडर में स्टोन का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इससे आपके शरीर को बैड कोलेस्ट्रॉल और अनहेल्दी फैट्स मिलते हैं। इसके अलावा कम पानी पीना, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज ना करना और बढ़ा हुआ वजन भी आपके गॉल ब्लेडर में स्टोन के फॉर्मेशन का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो गॉल स्टोन होने पर आपको दिखाई दे सकते हैं। गॉल ब्लेडर में पथरी होने पर पहला लक्षण आपके पेट में दर्द हो सकता है। अगर स्टोन का फॉर्मेशन बाइल डक्ट या हिपेटिक डक्ट में होता है तो बाइल का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है, जिससे गॉल ब्लेडर के आसपास के आर्गन पर प्रेशर बढ़ता है और आपको दबाव के साथ तेज दर्द का एहसास हो सकता है। अगर आपके एब्डोमेन में अपर राइट साइड पर दर्द है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, यह गॉल स्टोन की वजह से हो सकता है। अगर आपका चेहरा या शरीर का कोई हिस्सा पीला पड़ने लगा है या पीलिया जैसी समस्या होती है तो यह भी गॉल ब्लेडर में पथरी का लक्षण हो सकता है, क्योंकि जब गॉल ब्लेडर या बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो जाता है तो शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है। बिलीरुबिन एक तरह का रंग है जो लीवर से निकलता है और नॉर्मली आपके स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है। अगर बिलीरुबिन बढ़ने से आपके शरीर का रंग बदलता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। किसी भी चीज़ को खाने के बाद अगर आपको उल्टी या मतली की समस्या होती है तो यह भी गॉल ब्लेडर में स्टोन होने का लक्षण हो सकता है, क्योंकि गॉल ब्लेडर या बाइल डक्ट में स्टोन होने से बिलीरुबिन ठीक तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, जो आपके डाइजेशन में मदद करता है। इससे आपका खाया हुआ खाना डाइजेस्ट होने में समय लगाता है और आपको नौजिया और वोमिटिंग का एहसास हो सकता है। गॉल ब्लेडर में पथरी होने का चौथा लक्षण पेट में गैस या ब्लॉटिंग हो सकता है। अगर कुछ खाने के बाद आपके पेट में भारीपन रहता है और डाइजेशन ठीक नहीं रहता तो ये बाइल जूस या बिलीरुबिन की कमी से हो सकता है, जो स्टोन के कारण ब्लॉक हो चुका है। जब बिलीरुबिन खाने में मिक्स नहीं हो पाता तो खाना डाइजेस्ट होने में समय लगाता है। अगर आपका पेशाब गहरा पीला या ब्राउनिश रेड हो जाता है या आपको बिलीरुबिनूरिया की समस्या है तो यह भी गॉल ब्लेडर में स्टोन का लक्षण होता है, क्योंकि जब बाइल जूस या बिलीरुबिन डाइजेशन में ब्लॉकेज के कारण इस्तेमाल नहीं हो पाता तो ये आपके पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है और आपके पेशाब का रंग बदल सकता है। उम्मीद है गॉल ब्लेडर में पथरी होने पर दिखाई देने वाले इन 5 लक्षणों को आप समझ चुके होंगे। अगर आप या आपके परिवार में कोई इंसान इन समस्याओं से परेशान है तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। गॉल ब्लेडर से रिलेटेड दूसरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़े किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।